आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्री मानसून की बारिश में डूब गई स्मार्ट सिटी। शहर की गलियां सड़कें पानी से लबालब, नालों का पता नहीं, सड़कों पर नदियों की तरह बहरा बारिश का पानी। प्री मानसून की पहली बारिश ने शहरवासियों की करा दी फजीहत। केवल स्मार्ट सिटी नाम देने से भला कोई शहर स्मार्ट कैसे बन सकता है? इसके लिए स्मार्ट काम चाहिए, स्मार्ट सोच चाहिए। चाहिए कि समय पर, खासकर मानसून सीजन आने से पहले, शहर की नालियों में जमी सिल्ट को साफ कर लिया जाए, ताकि बारिश हो तो पानी लोगों के घरों के भीतर और सड़क के ऊपर न बहकर नालियों में बहता रहे। मगर हाय रे स्मार्ट सिटी देहरादून, प्री मानसून की पहली बारिश में शहरवासियों की आज जमकर फजीहत हो गई। शहर की कोई सड़क, कोई गली नहीं बची जहां नदियां और तालाब न दिखे हों। पलटन बाजार पानी पानी, धर्मपुर चौक पानी पानी, ईसी रोड में पानी, तो राजपुर रोड, कैनाल रोड में सड़कों पर नदियां। यही हाल आईटी पार्क का, यही पटेल नगर का, जहां देखो सुबह से सड़कों पर नदियां उफन रही हैं। अभी बारिश का दौर थमा नहीं है, अगले दो दिन मौसम का यही मिजाज रहने वाला है, यानी आगे फजीहत और खड़ी है। प्रशासन ने समय रहते नालों की मरम्मत और सफाई तो की नहीं थी, इसके बाद तो यही होना था। प्री मानसून की बारिश ने स्मार्ट सिटी के सारे दावों को धोकर रख दिया। अभी ये शुरुआत है, मानसून आना बाकी है। अंदाजा लगाइए, अगर मानसून सीजन में दो दिन लगातार बारिश हो जाए तो क्या होगा? फिर तो शहर में शायद बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।